चीन की दादागिरी, चीन ड्रैगन की घुसपैठ, लेह में फिर घुसे चीनी सैनिक। चीन ने एक बार फिर दादागिरी दिखाई है। लेह में चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए और वहां के ग्रामीणों को धमकाने लगे। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर गतिरोध कायम है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के जवान उस क्षेत्र में घुस गए जहां मनरेगा योजना के तहत सिंचाई नहर का निर्माण किया जा रहा था और उन्होंने कार्य को रोक दिया। ये घटना देमचोक सेक्टर में हुई जो लेह से करीब 250 किलोमीटर पूर्व में है। वहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के तहत एक गांव को हॉट स्प्रिंग से जोड़ने के लिए काम चल रहा था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 55 चीनी सैनिक वहां पहुंचे और आक्रामक तरीके से काम रोक दिया। इसके बाद सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवान वहां पहुंचे और उन्होंने चीनी सैनिकों की ज्यादती को रोका। चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चले गए और इस तर्क पर काम को रोकने की मांग की दोनों पक्षों को कोई कार्य शुरू करने के पहले अनुमति लेने की आवश्यकता है। भारतीय पक्ष ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार निर्माण के संबंध में जानकारी साझा तभी किए जाने की जरूरत है जब ये रक्षा उद्देश्यों के लिए हो। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने बैनर निकाल लिए हैं और वे वहां डटे हुए हैं। सेना और ITBP के जवान चीनी सैनिकों को एक इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जबकि PLA का दावा है कि ये क्षेत्र चीन का है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।